मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है। As Kamal Nath, the Congress observer for Maharashtra, asserted that Shiv Sena chief Uddhav Thackeray has tested positive for coronavirus, multiple news organizations on Wednesday reported that the Maharashtra chief minister may quit after a meeting with Mahavikas Agadi leaders in Mumbai. Nath said the chief minister will join the key meeting via video conferencing. मुझे अभी हमने कांग्रेस विधायकों की मीटिंग करी है। हमारी 44 में से 41 MLAs यहाँ थे, इसमें से तीन रास्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एनडीए सरकार को जो सपोर्ट कर रही है, हम सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने प्रयास किया झारखंड में, उन्होंने मध्य प्रदेश में की, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के खिलवाड़ है। और सब जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी रहेगी। The source-based reports pointed to a fact that coalition of Shiv Sena, Congress and the Nationalist Congress Party may have lost the required numbers to stay in the government. Shiv Sena rebel Eknath Shinde, who along with other MLAs is camping in Assam, had claimed that 46 lawmakers from his party were with him, as he asserted that he remained loyal to the Hindutva ideology pushed by Sena founder Balasaheb Thackeray. The Shiv Sena had 56 MLAs in the Maharashtra Assembly.